राहुल गांधी के हिंदुत्व विरोधी बयान पर भाजपा युवा मोर्चा ने कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर राहुल गांधी का पुतला दहन किया राहुल गांधी के सदन में दिए गए हिंदुओं को लेकर बयान पर भाजपा लगातार आक्रामक नजर आ रही है भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने प्रदेश कांग्रेस कार्यालय का घेराव कर जमकर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया और राहुल गांधी का पुतला जलाया युवा मोर्चा के अध्यक्ष वैभव पवार ने कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस ही हिंदू विरोधी विचारधारा रखते हैं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने जिस प्रकार का बयान संसद भवन में दिया है हिंदुओं को हिंसक बनाने का प्रयास किया है जो पूर्णतः निरर्थक बयान है और हिंदू आबादी को बदनाम करने की एक सोची समझी रणनीति है उसके खिलाफ भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता पूरे मध्य प्रदेश में उनके पुतले को जला रहे हैं कांग्रेस कार्यालय में जाकर उस श्रृंखला में आज हमने भोपाल में ये काम किया है और हम ये कांग्रेस को बताना और चेताना चाहते हैं और कांग्रेस के नेताओं से प्रश्न पूछना चाहते हैं कि यह क्या वो हिंदू हैं और यदि वो हिंदू हैं तो क्या वो हिंसक हैं इस बात का जवाब कांग्रेस में काम करने वाले हिंदू आबादी को देना चाहिए उन्होंने पूरी भारत की हिंदू आबादी को बदनाम करने के लिए एक सोचा समझा बयान संसद भवन में दिया जिसके लिए उन्हें भारत की सनातन संस्कृति को मानने वाली हिंदू आबादी से माफी मांगनी चाहिए वहीं दूसरी ओर कांग्रेस प्रदेश मीडिया प्रभारी मुकेश नायक ने राहुल गांधी का पक्ष लेते हुए कहा कि भाजपा अगर धर्म को लेकर चलती है तो फिर अयोध्या और प्रयागराज में कैसे हार गई उन्होंने कहा कि भाजपा हमेशा गौ वंश को लेकर बात करती है जबकि गोवा में सबसे ज्यादा गौ मांस का निर्यात किया जाता है विश्व में ब्राजील सबसे ज्यादा गौ मांस का निर्यात करने वाला देश है और आज हम उसकी बराबरी पर आ गए हैं, लेकिन गोवा को लेकर बीजेपी कहती है कि वहाँ ग्लोबल कल्चर है सबसे आश्चर्यजनक बात मुझे ये लगी की जब राहुल गांधी जी सदन में भाषण दे रहे थे तो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व गृह मंत्री और वर्तमान संसदीय मंत्री रिजू जी ने खड़े होकर हिंदुओं की वकालत की ये वही रिजू जी हैं जिन्होंने गृहमंत्री रहते हुए सार्वजनिक रूप से एक पत्रकार वार्ता में ये कहा था कि हम तो गऊ का मांस खाते हैं गाय का मांस खाना हमारे कल्चर में है हमारी परंपरा में है अब आप सोचिए कि मोदी जी और शाह जी और बीजेपी के नेता विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ये कहती है कि गौ माता में तैतीस करोड़ देवता निवास करते हैं हम लोग भी ये मानते हैं अब आप बताइए आपके तैतीस करोड़ देवताओं को खाने वाला आदमी आपके बगल में बैठा हुआ है उसको क्यों नहीं हटाते आप आप देख रहे हैं दखल न्यूज